अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कैसे काम करती है, इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ इसके यूज़ हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, और एनिमेशन के ज़रिए मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली ये काम कैसे करती है। सो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था कि अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कन्वेक्स लेंस को आंख के करीब रखें तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को वो मैसिव साइज का करके दिखा देता है। उसकी एक लिमिट है, वो उससे बड़ा करके नहीं दिखा सकता। 5 गुना 6 गुना 4 गुना ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा कर सकता है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, बैक्टीरिया को देखना है, वायरसेस को देखना है, हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उनको देखना है, तो हमें उनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए, जो दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। क्या फर्क है इनके अंदर? ऑब्जेक्टिव भी कन्वेक्स लेंस है, टू कन्वर्जिंग लेंसेज, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते थे? कन्वेक्स लेंस को। सो माय कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कन्वेक्स लेंस हैं। नाम क्यों डिफरेंट है वो आपको बताता हूँ, क्यों डिफरेंट नाम है। एंड इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर जानना है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनके अंदर किस तरह की तरतीब है, सब कुछ जानने के लिए हम जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन फीचर्स के मुतालिक, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के खास फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आई पीस क्या है, और उनके फीचर्स क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है, तो सबसे पहला फीचर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या है? इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। इसका मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्नीफिकेशन देती है। ऑफ कोर्स ज्यादा ही देगी, क्योंकि इसके अंदर लेंस दो हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस था, इसमें दो कर दिए गए हैं, तो मैग्नीफिकेशन पहले से डबल, 4 गुना 6 गुना और ज़्यादा हो जाएगी जितनी सिंपल माइक्रोस्कोप की होती थी। तो इसका मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन आम सिंगल लेंस जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं उससे ज़्यादा है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, आई पीस क्या है, मैं आपको बता दूँ। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया को देख रहे हैं, बैक्टीरिया के करीब जो लेंस है, दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब सैंपल के करीब जो लेंस है, जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके करीब जो लेंस है, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। और वो लेंस जहां जो हमारी आंख के करीब है, जहां से हम देखेंगे, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जिस जगह हम आंख प्लेस करते हैं देखने के लिए, दैट इज आई पीस। सो दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस, दोनों ही कन्वेक्स लेंस, जो ऑब्जेक्ट के करीब वो ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आंख के करीब, दैट इज आई पीस। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो यहां लिखे नहीं हुए मैंने आपको क्लियर कर दिया। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ शॉर्ट फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटे साइज का है, छोटा होगा तो फोकल लेंथ भी छोटी होगी, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। सो ऑब्जेक्टिव लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और ये साइज में छोटा है, छोटा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, छोटी है। ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आप जानते हैं क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, फोकल लेंथ छोटी फोकल लेंथ है। और कितनी है ये हम रखते हैं, लेस देन वन सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे, छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। नेक्स्ट सी, द आई पीस हैज लार्जर फोकल लेंथ FE ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। जी, इसकी फोकल लेंथ को FE लिखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसकी फोकल लेंथ हो F, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की निस्बत ज़्यादा है, साइज में बड़ा है, जितना बड़ा लेंस हो उतनी बड़ी फोकल लेंथ होती है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की निस्बत ज़्यादा है, और कितनी रखनी है, अ फ्यू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से लेस होती है, तो इसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है आपको अभी समझ आ जाएगी डिटेल में जब हम देखते हैं। अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से थोड़ा सा आगे,
ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से थोड़ा सा आगे हम क्या प्लेस करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट जब यहाँ प्लेस होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज बनाएगा। और कैसे इमेज बनाएगा, हम टॉपिक पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी हमने, 5 मुख्तलिफ पोजिशंस के ऊपर हमने इमेज बनाना सीखा था, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। 2 रेज यहाँ से लेंगे और देखेंगे यहाँ इमेज बनेगा, वही इमेज जब ये लेंस देखेगा उसे ये ऑब्जेक्ट लगेगा और दूर करके एक इमेज बनेगा जो हमारी आंख को दिखाई देगा। अब पहले इससे कि मैं इसकी मैग्नीफिकेशन की तरफ जाऊँ, मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ जाऊँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मजीद क्या पार्ट्स हैं, उनकी क्या अहमियत है। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 3 मेन पार्ट हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं और उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। आप मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन चाहते हो तो मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन के लिए आप डिफरेंट लेंस यूज़ कर सकते हो। तीनों ही अगर 3 हेड्स हैं, 4 हेड्स नीचे लगे होंगे और डिफरेंट हेड्स चेंज करके आप ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज कर सकते हो। इसी तरह से सबसे ऊपर अगर आप देखें जहाँ पर अपनी आंख प्लेस करनी है, दैट इज़ आई पीस है। इसी तरह से सेंटर में आप देखिए, सेंटर में इसके टनल है, उस टनल के ज़रिए रोशनी जाती है, हमारी आंख पे आके पड़ती है और हमें जो चीज़ भी हमने रखी होती है वो नज़र आती है। आगे चलें, अगर आप देख सकते हैं नीचे, अगर आप देखें तो नीचे एक मिरर है, मिरर से दाएं बाएं से जो रोशनी पड़ेगी, इसके अंदर हम कोई लैदा से रोशनी तो यूज़ करते नहीं हैं, रोशनी ये बाहर से ही आनी है। रोशनी मिरर पर पड़ के कहाँ से, नीचे देखिए, नीचे जो स्टैंड है उस स्टैंड के नीचे अपर्चर है, जो अपर्चर है वो अपर्चर खुलता है, उसे आयरस भी कहते हैं। आयरस जब खुलेगा वहाँ से रोशनी दाखिल होगी। ऊपर ट्रे है, ट्रे के ऊपर आप कोई भी सैंपल प्लेस करते हो, ब्लड का सैंपल रख दिया, बैक्टीरिया वायरसेस रख दिए, दही रख दिया, कुछ भी चीज़ जिसको हमने एग्जामिन करना है उस छोटे से ग्लास ट्रे पर रख देंगे। नीचे से आयरस से रोशनी आएगी, वो रोशनी क्योंकि ट्रांसपेरेंट वो शीट है उसके ऊपर से पड़ती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस में दाखिल होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से दाखिल होती होती टनल से गुजर के, मिड से गुजर के, आई पीस से गुजर के हमारी आंख में पड़ेगी और हमें वो छोटा सा जो हमने ब्लड सेल रखा था, खून का एक कतरा रखा था, बैक्टीरिया या वायरसेस रखे थे, वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें बच्चों हम ऑब्जेक्टिव लेंस को करीब और दूर भी कर सकते हैं, आई पीस को करीब और दूर भी कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं पीछे एक आर्म सा बना हुआ है, बाजू सा बना है, जिससे हम माइक्रोस्कोप ऐसे आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। नीचे स्टैंड है जो इसको सपोर्ट करता है, गिरने नहीं देता। ये कुछ चीज़ें हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो आपको याद होना ज़रूरी है और पता होना ज़रूरी है। अगर आप इसे यूज़ करें तो आपको पता हो कि इसके अंदर आर्म कौन सा है, स्टैंड कौन सा है, अपर्चर कौन सा है, आयरस कौन सा है, नीचे मिरर का काम है, इस तरह से रोशनी कैसे सैंपल से गुजर के ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से कहाँ जाएगी, टनल से गुजरती हुई आई पीस पे आएगी और आई पीस को वो छोटा सा जो सैंपल था उसके अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स थे, बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, खून के सेल्स से वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे नज़र आएंगे, आइए मैं यहाँ बताता हूँ। वो कैसे अपने साइज से बड़े दिखाई देंगे, वो इमेज फॉर्मेशन से पता चलेगा। इमेज कैसे मुझे बड़ा दिखाई देगा, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, 1 सेंटीमीटर का अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रखोगे 1000 सेंटीमीटर तक कर सकती है, इतनी ज़्यादा इसकी मैग्नीफिकेशन है। यूजेस में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों वहीं पे मैं आपको एनिमेशन में भी दिखाता हूँ किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत जिस्मों के साइज़ को बहुत बड़ा कर देती है, कैसे ये सिंपल माइक्रोस्कोप से बेहतर है, वो एनिमेशन वहाँ भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अब मैं इसको आपको रे डायग्राम से समझाने लगा हूँ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस, और इसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ और 2f, भाई f नॉट के बाद 2f नॉट ही आएगा डबल, इसके दरमियान आ जाए, तो हम यहाँ से 2 रेज लेंगे, 3 भी ले सकते हैं, हम 2 लेते हैं, 3 हम जानते हैं कैसी कैसी लेते हैं, एक पैरेलल लेते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से, एक प्रिंसिपल फोकस से, हम चलिए 2 मान के यहाँ से चलते हैं, 2 रेज हम लेते हैं यहाँ से जो यहाँ से गुजर के जा रही हैं। अब क्या होगा, जब ये रेज इस कन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी, ये रेज कन्वेक्स लेंस पे पड़ी इस ऑब्जेक्ट की, फर्ज के लिए छोटा सा ये ऑब्जेक्ट था जिसे मैं देख रहा था, यहाँ मेरी आंख है, अब ये यहाँ से रोशनी आई 2 रेज लेके, ये जो लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑफ कोर्स इसको फोकस करेगा और इससे साइज से बड़ा इमेज बना देगा। होगा क्या कि ये कुछ फासले के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा,
और फॉर्चुनेटली किस्मत से, खुशकिस्मती से, इसका जो इमेज है वो आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बन जाएगा। इसका जो इमेज है बच्चों वो फॉर्चुनेटली, वो खुशकिस्मती से, वो हमने करना भी ऐसे, इसकी एडजस्टमेंट भी ऐसे करनी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके सामने पड़ा जो जिस्म है फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर, जब ये इमेज बने तो ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर बने। और वो कैसे है, आप इसको भी आगे पीछे कर सकते हो, इसको भी वेरी कर सकते हो। वेरिएशन ऐसे करनी है कि ये जो इमेज बन रहा है जो इसने बनाया OP और इसका नाम QR, ये जो इमेज बनाया इसने, इसने अपना काम पूरा कर दिया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया। और रूल कौन सा फॉलो किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस का। जब F और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट पड़ा हो इमेज काफ़ी दूर बनता है। कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड अपने साइज से बड़ा, उल्टा और कैसा होगा, रियल होगा, ऐसा इमेज बना दिया जिसका नाम QR है। इसने अपना काम पूरा कर दिया। अब ये देखिए मेरी आंख यहाँ पे है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अभी तक इमेज। अब इस कन्वेक्स लेंस जिसका नाम आई पीस है, अब इसकी बारी है। अब ये क्या करेगा, इस आई पीस के लिए ये जो है ये QR है जो इसने अपना काम पूरा कर दिया, ये इमेज बना दिया है, इस आई पीस के लिए क्या QR ऑब्जेक्ट नहीं है? जब आई पीस देखेगा उसको तो ये नज़र नहीं आएगा, आई पीस को तो ये नज़र आएगा जो कि इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया, जो इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया, आई पीस की फोकल लेंथ, FE आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ गया। अब बताइए क्या हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस नहीं पढ़ा? यहाँ रूल लगाया तो यहाँ भी लगाइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको देखेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस की, वो कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी क्रॉस कराए, फोकल लेंथ भी क्रॉस कराए, तो क्या होता है, इमेज कैसा बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज, बड़ा बड़े साइज का इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह का इमेज बनेगा, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह का इमेज बनेगा, QRST इसका नाम होगा, जिस तरह का ऑब्जेक्ट उसी तरह का इमेज, इस इमेज का नाम I2 होगा, क्योंकि ये जो जिस्म है अब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को क्रॉस करके आगे आ गया है। तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ भी क्रॉस कर जाए कन्वेक्स लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस की, आई पीस जिसका नाम रखा हुआ है हमने क्योंकि ये आंख के करीब है, तो वो क्या करेगा, उसी तरफ इमेज बनाएगा, अपने साइज से मैसिव बनाएगा और बिल्कुल वैसा ही बनाएगा जैसा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सीधा बनाया, वर्चुअल बनाया और इनलार्ज्ड इमेज बना दिया। इसका मतलब मेरी आंखों तक जो रोशनी जाएगी, मेरी आंखों को जो इमेज दिखाई देगा, वो इमेज वो है जो यहाँ से पहुँच रहा है मेरी आंखों तक, ये रेज पहुँचेंगी, ये रेज मेरी आंखों तक पहुँच रही होंगी और मेरी आंखों को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर 25 सेंटीमीटर जिसकी वैल्यू है वहाँ पे इमेज बनता दिखाई देगा। मुख्तलिफ रेज वहाँ से आएंगी और जो मेरी आंखों तक रेज पहुँचेंगी वो कहाँ से की पहुँचेंगी, ये जो इमेज बना है। और ये इमेज किसने बनाया, लास्ट इमेज आई पीस ने बनाया, इसने पहले अपना काम कर दिया, अब इसकी बारी, तो इसने इसको देखा क्योंकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये तो इसे दिखाई नहीं दे रहा, इसको ये मैग्नीफाई कर देगा, ये मुख्तलिफ रेज जो हैं वो यहाँ से पहुँच रही होंगी हमारी आँख तक, और मेरी आँख तक ये रेज पहुँच रही होंगी। हम मुख्तलिफ रेज यहाँ ड्रॉ कर लें जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ी हैं, ये रेज जब मेरी आँख तक पहुँचेंगी तो मेरी आँख को ये, इसकी बजाय ये छोटा सा बैक्टीरिया वायरस, इसकी बजाय इतना बड़ा वो नज़र आएगा। यही तो मैं चाहता था कि मुझे वो ऑब्जेक्ट अपने साइज से मैसिव दिखाई दे, और ये मैसिव किसने कर दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने, जिसके अंदर कितने लेंस हम यूज़ करते हैं, दो, एक दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब है, बैक्टीरिया वायरस जो ब्लड का सैंपल है कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और दूसरा कौन सा है, आई पीस जो मेरी आंख के करीब है जहाँ से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ से मुख्तलिफ रेज आएंगी और रेज क्या होंगी, मुझे निशानी देंगी कि भाई वो इमेज बना है, और वो इमेज आपके सामने है, ऑब्जेक्ट के साइज से कितने गुना बड़ा है। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इस इमेज, जो डायग्राम मैंने रे डायग्राम बनाई उसके अंदर, FO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, FE क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ, और इन्हीं फीचर्स को फॉलो करते हुए बनाई, इसकी फोकल लेंथ बड़ी, इसकी फोकल लेंथ छोटी,
उसके बाद दोनों लेंस के दरमियानी फासला एल है और यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पूरी लंबाई होती है। दोनों लेंस के कम्बिनेशन का नाम ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है, इसलिए लिखा होगा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ एल, या ऐसे कह लो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियानी फासला एल है। और डी क्या है? आँख से लेके फाइनल इमेज तक फासला, इस इमेज का नाम है फाइनल इमेज, जो मेरी आंख को रिसीव होगा और मेरी आंख देखेगी। इतना छोटा सा सैंपल, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट मेरी आंख को इतना बड़ा दिखाई देगा। और ये है रे डायग्राम। पहला इमेज इसने बना दिया, दूसरा इमेज इसने बना दिया, और इस तरह से मुझे इमेज मेरी आंख पे दिखाई देगा। आंख यहाँ पे ऑब्जर्वर है, देखने वाला है। अब वो रे डायग्राम देखिए हो क्या रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस से के सामने फोकल लेंस से थोड़ा सा आगे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, रोशनी आई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसको भेज दिया आगे, और आगे कहाँ पे चली गई? वही आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर। जब आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर गई तो आई पीस ने अपना काम किया। उसने क्या किया? उस रूल को फॉलो करते हुए बहुत दूर उसका इमेज बनाया, इन्फिनिटी पे इमेज बनाया, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनाया, और मेरी आँख को इतना बड़ा वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। उल्टा दिखाई दे रहा होगा, कैसा है आपके सामने है। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन है किसके अंदर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर? देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन दो लेंजेस की मैग्नीफिकेशन का मल्टीपल है। पहली इसकी मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई बाय इसकी मैग्नीफिकेशन, इसकी मैग्नीफिकेशन एम वन, इसकी मैग्नीफिकेशन एम टू। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में तो सिंपल लेंस था तो एक मैग्नीफिकेशन थी, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन पहले से मल्टीपल हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर दो लेंस इन्वॉल्व हैं। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब जरा गौर करिए, ये जो आई पीस है आंख के करीब पड़ा लेंस, आंख के करीब पड़ा लेंस क्या बिल्कुल ही वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम नहीं करेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास का काम नहीं करेगा? तो क्या ये मैग्नीफाइंग ग्लास का रोल नहीं प्ले करेगा? तो क्या मुझे M2 की कीमत पहले नहीं पता? वो तो मैं पिछले टॉपिक में मालूम कर चुका हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1+D/F ही, जबकि इसकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू L/F0। L क्या है? दोनों लेंजेस के दरमियान फासला, और F0 क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। ये कैसे आया इसकी डिटेल डिस्कशन फर्स्ट ईयर के अंदर है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। यहाँ आपको ऐसे ही देखना है मैग्नीफिकेशन कैसे आई, दोनों की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो इतने गुना ये साइज से बड़ा कर देगा। जो बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है 40 times, 30 times, 20 times, मतलब अगर 2 cm का रखोगे तो 20 times क्या बनेगा? 80 cm। 5 times लिखा होगा वो तो 5 times तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी कर सकती है। ये 40 times, 50 times, 100 times, 1000 times अगर यूजेज में बताता हूँ कितने टाइम्स तक ऑब्जेक्ट के साइज को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इतना सब बैक्टीरिया वायरस जो आम आंख से नजर भी नहीं आ रहा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो बहुत मैसिव दिखाई देगा। यही तो मैं चाहता हूँ, बहुत मैसिव दिखाई दे, मैं इसकी माइनर से माइनर डिटेल चेक कर सकूँ, इसे स्टडी कर सकूँ, सारा कुछ इसका ब्रीफली देख सकूँ। तो देखिए मैग्नीफिकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ, देखें इसने पहले इसे मैग्नीफाई किया, थोड़ा बड़ा किया, इसने इसे और बड़ा कर दिया, तो मैग्नीफिकेशन आम सिंपल लेंस की नस्बत क्या हो गई है? मल्टीपल हो गई है, दूसरे लेंस दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि मल्टीपल है दोनों लेंसेज की मैग्नीफिकेशन का। अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ हैं? देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो रही है, तो स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। इन रिसर्च पर्पजेज, मतलब आपने जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, माइक्रोबियोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी करनी है, प्लांट्स की स्टडी करनी है, उनके लीव्स पे स्टडी करनी है, आपने उनकी वो जड़ों पे स्टडी करनी है, तनों पे रिसर्च करनी है, आपने जानवरों की खालों पे स्टडी करनी है, उनके जिस्मों के अंदर स्टडी करनी है, तो उनके सेल्स लेके जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे स्टडी करने के लिए उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट पे इट हैज मैग्नीफिकेशन ऑफ अबाउट 42,000 times। इसका मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट को 40 टाइम्स से लेके कितना गुना कर सकती है? 40 टाइम्स का मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा था जस्ट 1 cm का था तो 40 का मतलब ये मुझे 40 cm बड़ा दिखाएगी, 40 cm का दिखाएगी। और अगर 1000 times की बात करूं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 cm का था, 1 cm का था छोटा सा, ये 1000 time वाली माइक्रोस्कोप यूज करूंगा तो इसका मतलब मुझे 1000 cm
का दिखाएगी, 1000 सेंटीमीटर का दिखाएगी, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर बड़ा करके दिखा देगी, इतना बड़ा जिससे मुझे उसे स्टडी करना आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, ईच एंड एवरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप सारा डेटा पुट कर देंगे, डेफिनेशन, फीचर्स, इसकी रे डायग्राम, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर सारे इसके अंदर पॉइंट्स क्या हैं, फिर मैंने आपको बकायदा से इससे चीज़ें हटके भी दिखाई, पार्ट्स दिखाए जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होने चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताया, कहाँ से आया, कैसे आया वो बताया, और इसके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या यूज़ेस हैं वो सारा कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा, इस लेक्चर को नोट डाउन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।